हिंदू पौराणिक कथाओं में राजा नल और दमयंती की अनोखी प्रेम कहानी दर्ज है। नल और दमयंती का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। जब धर्मराज युधिष्ठिर जुए में अपना सब कुछ हार कर अपने भाइयों के साथ वनवास काट रहे थे, तब एक ऋषि ने उन्हें नल और दमयंती की ही कथा सुनाई थी। वो इसलिए क्योंकि उनकी तरह नल भी जुआ खेलने के शौकीन थे। विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री दमयंती और निषद के राजा वीरसेन के पुत्र नल दोनों ही अति सुंदर थे। नल और दमयंती एक दूसरे की प्रशंसा सुनकर बिना देखे ही एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। राजकुमारी दमयंती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध थी। कहते हैं रानी दमयंती इतनी ज्यादा सुंदर थी कि देवता भी उनसे शादी करना चाहते थे। जब दमयंती के स्वयंवर का आयोजन हुआ तो देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि तथा यमदेव भी दमयंती को प्राप्त करने के लिए इच्छुक हो गए। वे चारों भी स्वयंवर में नल का ही रूप धारण करके आए। स्वयंवर में राजा नल ने भी भाग लिया था। नल के समान रूप वाले 5 पुरुषों को देख दमयंती घबरा गई, लेकिन उसके प्रेम में इतनी आस्था थी कि उसने देवताओं से शक्ति मांगकर राजा नल को पहचान लिया और दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद दमयंती नल के साथ सुखमय वैवाहिक जीवन शुरू करती है। दमयंती के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। दोनों बच्चे माता पिता के अनुरूप ही सुंदर रूप और गुण से संपन्न थे। सदा समय एक सा नहीं रहता, दुख सुख का चक्र निरंतर चलता ही रहता है। वैसे तो महाराज नल गुणवान और धर्मात्मा थे, किंतु उनमें एक दोष था, जुए की लत। नल के एक भाई का नाम पुष्कर था। वो नल से अलग रहता था। एक दिन पुष्कर ने अपने भाई नल को जुए के लिए आमंत्रित किया। खेल आरंभ हुआ। भाग्य प्रतिकूल था, नल हारने लगे। सोना, चांदी, रथ, राजपाट सब हाथ से निकल गया। महारानी दमयंती ने प्रतिकूल समय जानकर अपने दोनों बच्चों को विदर्भ देश की राजधानी कुंडनपुर भेज दिया। इधर नल जुए में अपना सब कुछ हार गए। उन्होंने अपने शरीर के सारे वस्त्राभूषण उतार दिए, केवल एक वस्त्र पहनकर नगर से बाहर निकले। दमयंती ने भी मात्र एक साड़ी में पति का अनुसरण किया। एक दिन राजा नल ने सोने के पंख वाले कुछ पक्षी देखे। राजा नल ने सोचा यदि इन्हें पकड़ लिया जाए तो इनको बेचकर निर्वाह करने के लिए कुछ धन कमाया जा सकता है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने पहने हुए वस्त्र खोलकर पक्षियों पर फेंका। पक्षी वो वस्त्र लेकर उड़ गए। अब राजा नल के पास तन ढकने के लिए भी कोई वस्त्र न रह गया था। नल खुद के लिए ज्यादा परेशान नहीं थे, उन्हें दमयंती की चिंता खाए जा रही थी। इसके हल के लिए राजा नल ने तय किया कि वो दमयंती को अकेला छोड़कर चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में शायद दमयंती अपने पिता के घर लौट जाए। आगे उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन नल और दमयंती एक पेड़ के नीचे एक ही वस्त्र से अपने तन को ढक कर बैठे थे। दमयंती को नींद आ गई। तभी नल ने तलवार से दमयंती के साड़ी के 2 टुकड़े किए और साड़ी को लपेटकर दमयंती को अकेला सोता हुआ छोड़ चले गए। जब दमयंती की आंखें खुली तो वो विलाप करने लगी। उन्होंने राजा नल को यहाँ वहाँ बहुत ढूंढा, मगर वो नहीं मिले। अंततः दमयंती ने दुख से खुद को अजगर का आहार बनाने की कोशिश की। तभी वहां से गुजर रहे एक व्याध ने उनकी रक्षा की। हालांकि अगले ही पल वो व्याध दमयंती के यौवन को देखकर काम भावना से भर उठा। इसके तहत उसने जबरन उन्हें पाने की कोशिश की। ऐसे में दमयंती ने उन्हें शाप देकर मृत्यु दंड दिया। उसके बाद दमयंती अपने पिता के पास पहुंच गई। अंततः दमयंती के सतीत्व के प्रभाव से एक दिन महाराज नल के दुखों का भी अंत हुआ। दोनों का पुनर्मिलन हुआ और राजा नल को उनका राज्य भी वापस मिल गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।